नामांकन करेंगे अब अध्यक्ष पद के लिए? हाँ, डेट तो मैं फिक्स अप जाके करूंगा, पर मुझे ये तय है कि मुझे कंटेस्ट करना है। पर मैं देखता हूँ ये पार्टी इनर डेमोक्रेसी की बात है, एक नई शुरुआत हम लोग करें सब मिलके, और मुझे उम्मीद है कि जो हालात देश के हैं उसके लिए प्रतिपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तमाम जो हमारे कांग्रेस के साथी भी हैं, चाहे वो कंटेस्ट भी करते हैं तब भी कोई बात नहीं, अगर हम चाहेंगे चुनाव के परिणाम के बाद में हम सब मिलके कैसे कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर, जिला स्तर पर हम मजबूत भी करें और जो विचारधारा हमारी है उसको बेस बना करके हम लोग आगे बढ़ें और एक मजबूत प्रतिपक्ष के रूप में उभर के आए हम लोग, ये मेरा मानना है। इसके साथ ही एक सवाल होता है कि एक व्यक्ति एक पद, जैसा आप ही कह चुके हैं, राहुल जी भी कल संवाददाता सम्मेलन में कह रहे थे, तो उसके बाद राजस्थान का सिरमौर किसके सिर? क्या आप किसी का नाम सुझाएंगे, विधायकों की राय ली जाएगी या किस तरह हाईकमान फैसला करेगा? देखिए, तो मैं यहाँ कोची में खड़ा खड़ा तो नहीं कह सकता, ये तो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं मिस्टर अजय माकन, वो और कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी, वो लोग फैसला करेंगे कि अब मान लीजिए मैं अध्यक्ष बन रहा हूँ तो क्या प्रक्रिया हो वहां पर, कब हो प्रक्रिया, ये तमाम फैसले वो करेंगे। सर एक छोटा सा सवाल। इट्स ग्रेट टू सी यू हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Vojo Story and support independent, robust journalism.